भारत के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कम ही उम्र में अपना नाम बना लिया है। वह टीम इंडिया के अहम खिलाड़ियों में एक स्टार बन गए हैं। टेस्ट और T20 फॉर्मेट में उनका जलवा देखने को मिल रहा है। वह पहली बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हैं और वहां भी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। इसी बीच उनके भाई तेजस्वी जायसवाल भी क्रिकेट मैदान पर लौट आए हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते त्रिपुरा में रणजी ट्रॉफी में अपना पहला फर्स्ट क्लास अर्धशतक लगाया है। यशस्वी ने इसके बाद अपने 27 वर्षीय भाई के लिए खास मैसेज भेजा। उन्होंने मैसेज में लिखा, तूने सब के लिए किया, अपने सपने को छोड़ा, बहुत त्याग किया, अभी तुम्हारा टाइम, एंजॉय करो। तेजस्वी के लिए यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने परिवार के लिए काफी त्याग किया है। अब उन्हें जब क्रिकेट में सफलता हासिल हुई है, तब छोटे भाई ने खास मैसेज भेजकर दिल जीत लिया। दरअसल 2012 में उत्तर प्रदेश के भदोही में एक हार्डवेयर की दुकान के मालिक के दोनों बेटे क्रिकेटर बनने के लिए मुंबई चले गए। वे मुंबई में आजाद मैदान में ग्राउंड्समैन के टेंट में काम करते थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही खेल को आगे बढ़ाने का खर्च उठा सकता था। इसलिए 17 साल की उम्र में तेजस्वी ने क्रिकेट छोड़ दिया ताकि यशस्वी का भारत का क्रिकेटर बनने का सपना जिंदा रहे। यशस्वी ने एज ग्रुप क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ना शुरू किया और फिर भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में सजावटी लाइट बेचने के लिए एक स्टोर के सेल्समैन के रूप में काम करने लगे। वहीं यशस्वी को पॉकेट मनी भेजते रहे। तेजस्वी ने अपनी दो बड़ी बहनों की शादी भी करवाई। आर्थिक संकट के अलावा तेजस्वी को मुंबई के क्रिकेट में खेलते समय उम्र धोखाधड़ी के आरोपों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा, मैंने हैरिस शील्ड में एक गेम खेला और 7 विकेट लिए। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मेरी उम्र सत्यापन की समस्या है, मुझे 1.5 साल तक बेंच पर बैठना पड़ा। यशस्वी बहुत अच्छा कर रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनकी संभावनाओं पर कोई असर पड़े। वैसे भी मुंबई हम दोनों के लिए बहुत महंगा था। हम दोनों के लिए दिन में 2 बार खाना जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस समय यशस्वी के कोच ज्वाला सर भी जिंदगी में नहीं थे। तेजस्वी वहां से भदोही वापस आ गए, उनका क्रिकेट छूट गया। भाई को जब IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और बहनों की शादी हो गई, तब उन्होंने अपने जीवन आसान समझा। हालांकि छोटे भाई यशस्वी ने ही उन्हें फिर से क्रिकेट खेलने के लिए कहा। तेजस्वी ने फिर कड़ी मेहनत की और त्रिपुरा के लिए मेघालय के खिलाफ डेब्यू किया। 2014 से 2021 तक वह क्रिकेट की दुनिया से दूर रहे। वह त्रिपुरा गए, उन्होंने वहां कॉलेज में एडमिशन कराया, लोकल क्रिकेट में हिस्सा लिया और फिर बेहतर प्रदर्शन दिखाया। तेजस्वी को इस बात की बड़ी खुशी होती है कि कोई उन्हें कहता है कि देखो, यशस्वी जायसवाल का बड़ा भाई जा रहा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।